नमस्कार, सीनियर किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मुरमुरे के पकौड़े, जो बहुत ही आसानी से घर में ही बनाए जा सकते हैं और बहुत ही टेस्टी होता है और हेल्थी भी होता है। तो चलिए बनाते हैं। तो मुरमुरे के आज हम पकौड़े बनाएंगे। मुरमुरे के पकौड़े बनाने के लिए हम एक बर्तन में एक कटोरी मुरमुरा लेंगे। आप अपने परिवार के हिसाब से आप मुरमुरा रख सकते हैं। मैं इससे दो कटोरी लूँगी। इसको मैं छाछ या दही या पानी से भी आप इसको मतलब इसको भिगो सकते हैं। तो देखिए, मैं धीरे धीरे अपने मेरे पास छाछ है, इसी से मैं इसको भिगोऊंगी और मिला दूंगी। ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बस इतना डालना है कि जो इसमें ये हम तरीके से मिल जाए। ज़्यादा पानी पानी सा नहीं करना है, हमें सिर्फ इसको इकट्ठा करना है, इतना ही डालना है इसके अंदर छाछ। हमने इसे अच्छे से मिला लिया है। अब इसको हम सिर्फ 2 से 3 मिनट भीगने के लिए रखेंगे। ये अच्छे से मुलायम हो जाएगा, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 से 3 मिनट। इसके बाद हम इसका पकौड़ा बनाएंगे। तो देखिए, हमारा ये 2 से 3 मिनट हो गया है और ये हमारा अच्छे से जो छाछ था वो इसमें सूख गया है। अब इसमें हम डालेंगे मीडियम साइज़ के 2 आलू मैंने उबाले हैं। उबाल के इसको मिक्स कर लिया है। ऐसे आपको तोड़ लेना है। थोड़े से मिर्ची, एक मीडियम साइज प्याज और थोड़े से हमने धनिया डाला है इसमें। और इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच बेसन। सिर्फ हम इसमें बाइंडिंग के लिए डालेंगे बेसन। ये देखिए, 2 चम्मच बेसन डाला हमने इसमें। 1 चम्मच हमने सूजी डाला है। 1 चम्मच हमने चिली फ्लेक्स डाला है इसमें। नमक हम स्वाद अनुसार डालेंगे इसमें। 1/2 स्पून से भी कम थोड़ा सा हल्दी डालेंगे इसमें और 1/2 कटा हम नींबू का रस डालेंगे। इसको अच्छे से मिलाएंगे, आराम से मिलाएंगे। अगर हमें थोड़ा बहुत कम लगेगा तो हम इसमें छाछ डाल लेंगे यानी मट्ठा, और नहीं तो हम इसी में हो जाएगा ये, क्योंकि इसको ऐसे ऐसे गोल गोल बनाना है हमें, तो ये इसी में हो जाएगा। तो हम इसको अच्छे से मिलाएंगे पहले। तो देखिए, हमारा ये अच्छे से गूंद के है, मैंने मिक्स कर लिया इसको। अब हम इसको ना ऐसे ऐसे, अब बड़ा छोटा अपने हिसाब से स्नैक ये बना सकते हैं। आप चाहें तो थोड़ा सा मतलब हाथ पे तेल लगा लीजिए और इसको बना लीजिए ऐसे गोल गोल, और जल्दी बनेगा। देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको। थोड़ा सा तेल लगा लिया हाथों में इसको ऐसे, क्योंकि बिना तेल लगाए हाथ में ही चिपक रहा है, ऐसे चिपकेगा नहीं हाथों में। और ऐसे ही हम सारा बना के ऐसे गोल गोल बना के और ऐसे दोनों हाथों के सहारा से लेके हम ऐसे ऐसे बनाएंगे इसको। अभी हम आपको इसको सारा बना के तेल में तल के भी दिखाएंगे। तो चलिए, इसको पहले हम बॉल बना लेते हैं। हमने गैस पे हिला के कढ़ाई रख दी है। अब हम उसको अच्छे से गर्म करेंगे तेल को। अब हमने ऑयल गर्म कर लिया है, हमारा ऑयल गर्म हो गया है। हम ऐसे टिक्की को बना के और इस पर हम सूजी का यानी रवा को इसके ऊपर कोटिंग करके और एक एक करके डालेंगे। देखिए, हम इसको उलट पलट करके अच्छे से सेक लेंगे और देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका। ये देखिए, जब इसका कलर इतना अच्छा है तो खाने में कितना अच्छा होगा ये। तो देखिए, अभी हमारा सिक गया है ये। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। देखिए, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। अब हम ऐसे ही सारे पकौड़ियों को निकाल लेंगे। तो देखिए, हमारा कितने आराम से ही। और एक बात का ध्यान रखना है आपको कि आप इसे ज़्यादा कढ़ाई में नहीं डालना है, सिर्फ 3 से 4 या 5 ही पकौड़े निकालने हैं। ज़्यादा डालने से ये पकौड़े बिल्कुल भी नहीं बनेंगे और फैल जाएंगे कढ़ाई में, तो इसलिए इसे थोड़े थोड़े ही डाल के निकालिएगा। तो इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। तो लीजिए, हमारा ये टेस्टी वाला हेल्थी वाला नाश्ता तैयार हो गया। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए बाय बाय।